बाढ़ और बारिश से बांग्लादेश का पूर्वी हिस्सा सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। ढाका से चट्टोग्राम के बीच संपर्क टूटने की खबर है। सिर पर सामान उठाए लोग सुरक्षित स्थान की तलाश में भटक रहे हैं। विनाश लीला के इस दौर में बांग्लादेश के कट्टरपंथी भारत विरोधी एजेंडा चलाने में जुटे हैं। वही बांग्लादेश की कार्यवाहक मोहम्मद यूनुस सरकार ने अपने देश में बाढ़ के लिए भारत पर ठीकरा फोड़ दिया है। एक रिपोर्ट बनाई है, आप देखिए। ड्रोन से ली गई तस्वीर में बर्बादी की वो दास्तान कैद है जिससे पड़ोसी देश बांग्लादेश कराह रहा है। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक बर्बादी के पानी का फैलाव है और इस पानी में डूबी कुछ इमारतें जिनका सिर्फ ऊपरी हिस्सा नजर आ रहा है। शहरों की सड़कों से लेकर बाहरी इलाकों में खेत और खलिहान तक सब कुछ डूब चुका है। ऐसे में नाव के जरिए जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद हो रही है। बांग्लादेश में हालात क्या हैं? इस तस्वीर से समझिए। नाव जैसी चीज पर गोद में एक बच्चे को लेकर एक महिला बैठी हुई है, उसके साथ एक बच्चा है। नाव जैसी इस चीज को एक युवक खींच रहा है जबकि एक लड़का पीछे धक्का दे रहा है। कोई सर पर सामान लेकर जा रहा है तो किसी की गोद में बच्चा है तो किसी के कंधे पर है। हर कोई सुरक्षित स्थान की तलाश में है। हालांकि ऊंची इमारतों में बनाए गए शेल्टर हाउसेस में भी व्यवस्था ठीक नहीं है। एक तस्वीर बाढ़ से त्राही त्राही कर रहे उन लोगों की है जो घुटने तक पानी में सरकार की ओर से भेजी जा रही राहत सामग्री के लिए लाइन लगाकर खड़े हैं। बर्बादी की बाढ़ से निपटने के लिए बांग्लादेश के कार्यवाहक यूनुस सरकार ने आपदा प्रबंधन विभाग के साथ साथ सेना के जवानों को भी तैनात कर दिया है जो कि नाव के जरिए लोगों तक राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। ऊपरी इलाकों में मूसलाधार बारिश और नदियों के बढ़ते जलस्तर से बांग्लादेश के 12 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। बांग्लादेशी अधिकारियों के मुताबिक बारिश रुकने से बाढ़ का पानी उतरने लगा है लेकिन अभी हालात काबू से बाहर हैं। ऊपर से पानी नीचे आ रहा है। अभी हमें बाढ़ पीड़ितों को पीने का पानी और खाना देने के लिए पर्याप्त नावों की जरूरत है। मैंने संबंधित अधिकारियों को सूचित कर दिया है। 4 उपजिले सबसे अधिक प्रभावित हैं। हम उन उपजिलों पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। इसके अलावा हम 2 अन्य उपजिलों में भी राहत सामग्री वितरित कर रहे हैं। बांग्लादेश के हजारों नागरिक बाढ़ से त्राहिमाम कर रहे हैं। तस्वीर देखिए, रास्ते पर घुटने तक पानी के बीच नाव के जरिए 3 महिलाओं को बाहर निकाला जा रहा है तो वही दूसरी तस्वीर में दर्जनों लोग ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए बाढ़ की विनाश लीला से दूर जाने की कोशिश में हैं। एक और तस्वीर देखिए, प्रेग्नेंट लेडी को किसी तरह पानी से बाहर निकाला जा रहा है तो वही एक और युवक साइकिल रिक्शा पर घर का सामान और उस पर एक बच्चे को बैठा कर ले जाते दिख रहा है। तस्वीरें रुला देने वाली हैं क्योंकि कई लोग तो ऐसे हैं जिन्हें पता नहीं उनका परिवार कहाँ है और क्या वो सुरक्षित हैं। बांग्लादेश में ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो बाढ़ और बर्बादी के बीच अपनों से बिछड़ गए। खासकर पूर्वी बांग्लादेश के कई इलाके तबाह हो गए हैं। सबसे ज्यादा असर क्यों मिला फेनी नोआखली जैसे जिले में हुआ है। बाढ़ के चलते राजधानी ढाका और चट्टोग्राम के बीच संपर्क टूट गया है। बाढ़ और बारिश के चलते तमाम इलाकों में बिजली सप्लाई पूरी तरह से ठप हो गई है। दूसरे लफ्जों में कहें तो हालात आउट ऑफ कंट्रोल हैं। इस बीच बांग्लादेश की कार्यवाहक सरकार ने बाढ़ के लिए भारत पर ठीकरा फोड़ा है। बांग्लादेश का आरोप है कि भारत की ओर से बिना किसी पूर्व सूचना के डैम से पानी छोड़ा गया।
ये भी कहा गया कि त्रिपुरा में गोमती नदी पर बने डंबूल डैम को खोलने की वजह से बांग्लादेश में बाढ़ के हालात बने। सोशल मीडिया पर भी भारत के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। कई ऐसे पोस्ट वायरल हैं जिनमें दावा किया गया है कि भारत ने जानबूझकर बांग्लादेश में पानी छोड़ा है। एक डैम का वीडियो वायरल कर त्रिपुरा के डंबूर बांध के गेट खोलने का दावा किया जा रहा है। हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। भारत ने बांग्लादेश की ओर से लगाए जा रहे सभी आरोपों को खारिज किया है, क्योंकि त्रिपुरा का डंबूर बांध बांग्लादेश की सीमा से 120 किलोमीटर दूर है। बड़ी गोमती नदी के आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ और बारिश ज्यादा है, जिससे सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं भारत के त्रिपुरा में भी हालात बिगड़ गए हैं।